पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, हाथी को गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लिया। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर भी गए। अमेजन पर राम मंदिर का प्रसाद बताकर मिठाई बेची जा रही, सीसीपीए ने नोटिस भेजा। कंपनी ने प्लेटफॉर्म से प्रसाद बिक्री का ऑप्शन हटाया। पंजाब हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट, यूपी बिहार सहित 8 राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति। एमपी राजस्थान में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वां दिन आज, राहुल गांधी ने असम के लखीमपुर से यात्रा शुरू की, आज अरुणाचल जाएंगे। सीएम ममता बोली, तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। INDIA की अहम पार्टियों में TMC बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर पेच। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ, सीएम हाउस पहुंची ईडी की टीम, मुख्यमंत्री से लिपट कर रोए इरफान अंसारी। ज्ञानवापी टैंक की सफाई का काम हुआ पूरा, इसी के आदेश पर 26 मेंबर्स की टीम ने 2 घंटे में निकाला पानी, वाराणसी के DM रहे मौजूद। हिमाचल में पहली बार टूरिज्म एक्टिविटी पर बैन, सारे मंदिर और होटल रेस्टोरेंट बंद, राजा घेपन का आदेश, देवता स्वर्ग लोक की यात्रा पर आए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बर्फीले पानी में डुबकियां लगाई, एपिफेनी त्योहार मनाने पहुंचे थे, -30 डिग्री तापमान में भी बने स्नान। शोएब मलिक ने की तीसरी शादी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ फोटो शेयर किया, 2010 में सानिया मिर्जा से हुई थी दूसरी शादी।